જેવી શક્તિ તેવી ભક્તિ કઈક આવો જ માહોલ આજકાલ દેશમાં જોવા મળી રહ્યો છે। દેશ આખો જ્યારે પ્રભુ રામની ભક્તિમાં લીન થયો છે ત્યારે મુંબઈના એક મુસ્લિમ પરિવારે પ્રભુ રામને ધરી અનોખી ભેટ। એક તરફ અયોધ્યાનું ઐતિહાસિક રામ મંદિર તો બીજી તરફ કમળનું ફૂલ અને પીએમ મોદી। કઈક આવા જ સિક્કાનું નિર્માણ કર્યું છે મુંબઈના મુસ્લિમ દંપતીએ। ભગવાન રામ પ્રત્યેની પોતાની આસ્થા અને શ્રદ્ધા પ્રગટ કરવા દંપતીએ પોતાના વ્યવસાય મુજબ યથાશક્તિ ભેટ ધરવાનો સંકલ્પ કર્યો। અયોધ્યા રામ મંદિર આધારિત આ સિક્કા યુપીની સીએમ યોગી આદિત્યનાથને સોંપવામાં આવશે ત્યારે આ સિક્કા બનાવીને કેવી ધન્યતા અનુભવી રહ્યું છે આ દંપતી આવો સાંભળીએ। मुंबई के मझगांव इलाके में सिक्का फैक्ट्री चलाने वाले शाहबाज और प्रिया राठौड़ हमारे साथ में हैं। दरअसल शाहबाज ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जब 22 जनवरी सुनिश्चित की गई उसके बाद उन्होंने तय किया कि चूंकि वो दो दशक से सिक्का फैक्ट्री चला रहे हैं तो उन्हें अपनी तरफ से भी योगदान देना चाहिए, इसलिए उन्होंने 2500 सिक्के बनाने का प्रण लिया। पीतल के उन सिक्कों पर भगवान श्री राम की तस्वीर होगी या कुछ और होगा उसको लेकर भी उन्होंने काफी कुछ विचार विमर्श किया, लेकिन आखिरकार उन सिक्कों पर उन्होंने एक तरफ जो है अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर उकेरी है और दूसरी तरफ कमल का फूल है। अब ये 2500 सिक्के बनकर तैयार हैं। उन्होंने राम मंदिर में खुद जाकर भगवान श्री राम के चरणों में इसे अर्पित करने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी समय मिला हुआ है और वो गुरुवार को योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और 2500 सिक्के जो हैं वो मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ताकि वहां आने वाले वीआईपीस को ये सिक्के दिए जा सके। हमारे साथ में शाहबाज और प्रिया हैं, उनसे बात करेंगे। प्रिया जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों के मन में ख्याल कैसे आया, क्योंकि आप लोग सिक्का फैक्ट्री चलाते हैं, आपका व्यवसाय है और आप लोग अपनी तरफ से ये सिक्के बनाएंगे और उस पर तस्वीर जो आपने रखी है कि एक अयोध्या में बन रहा मंदिर का उकेरी गई है, दूसरी तरफ जो है कमल का फूल है, तो ये सोच कहाँ से आई? जी, ये हमारा एक्चुअली हम लोग 20 साल से यही बिजनेस कर रहे हैं और इसी का हम खाते हैं, तो हमने सोचा जब भगवान श्री राम का इतना अच्छा काम हो रहा तो कुछ अपना भी सहयोग होना चाहिए और अपनी तरफ से वहाँ पे कुछ भेजना चाहिए। तो हम लोग ने सोचा क्या भेजेंगे, राम भगवान तो हम रोज बना रहे हैं, राम भगवान के ही सिक्के हमारी एक्चुअली बिजनेस मैन यही है। यानी कि आप जो ये तांबे के सिक्के बनाती हैं उस पर अलग अलग भगवान की तस्वीरें हैं और इन सिक्कों को आप मंदिरों में या दूसरे शहरों में भेजती हैं? पूरे शहरों में हर जगह भेजते, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाते हैं हमारे, जो पूजा में सिंहासन में रखे जाते हैं ये सिक्का हमारे 100 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम के बनते हैं हर भगवान के, और लॉकेट जो आप पहनते हैं वो भी हम बनाते हैं। तो हमारे विचार में आया कि हम इन्हीं का खा रहे तो इनके लिए हम कुछ अर्पित करें, तो हमने ये सिक्का बनाया। इसमें एक तरफ मंदिर है और इसमें लिखा है हिंदुओं का धाम हिंदुस्तान जय श्री राम। ये दूसरे तरफ का जो है वो मेरा बेटा है 14 साल का, छोटा है 14 साल का, उसने ये कमल का फूल बनाया, बोले श्री राम का बहुत प्रियमय फूल है और मोदी जी उसके प्रिय हैं। वो मेरा बेटा मोदी जी को बहुत बड़ा फ्रेंड है तो उसने मोदी जी का नाम लिख के और डंडी में जी लगा के दिया है और यहाँ लिखा है कि मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं, आगे और भी अच्छा अच्छा करेंगे, क्योंकि इतने सालों में जो नहीं हो सका, लोगों को बरसों से इंतजार था, वो मोदी जी ने बहुत जल्दी कर दिया। भगवान के प्रति कितनी ज्यादा आस्था है, पूरा देश इस वक्त भक्ति में डूबा है, 22 जनवरी का इंतजार हो रहा है, हर कोई अपनी अपनी तरफ से अपना योगदान देने की पूरी कोशिश कर रहा है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष मुंबई।